पिछले वर्ष जब वामा साहित्य मंच और घमासान की ओर से ये अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम आयोजित किया गया था, तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुधा गाडगे अखिल भारतीय साहित्य समागम की सदस्य रही, कार्यकारिणी सदस्य। पिछले वर्ष जो हमने कार्यक्रम जो आयोजित किया था, तो उसमें सबसे पहली बात, हमें पहला वर्ष था पर हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। देश भर की महिला साहित्यकार आई थी और प्रत्येक विधा पर सारी प्रमुख साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। हर सत्र में हम लोगों ने अलग अलग विषय रखे थे। उसी वर्ष उसी तरह से इस वर्ष भी हम लोगों ने हर सत्र में अलग अलग विषय रखे हैं। पिछले वर्ष हमारे साथ रति सक्सेना थी, उषा किरण खान थी, गीता श्री थी, ये सभी मूर्धन्य महिला साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने अपने विचार, प्रखर विचार, ओजस्वी विचार हमारे सम्मुख रखे थे। इस वर्ष भी हम लोगों ने देश की मूर्धन्य महिला साहित्यकारों को, विदुषियों को निमंत्रित किया है और वे आ रही हैं और सभी इस वर्ष पहचान से आगे सार्थक था, आदर्श से यथार्थ तक, इस विषय पर, इस थीम पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। इस साल क्या क्या तैयारियां की गई हैं इस आयोजन के लिए? इस आयोजन के लिए तैयारियां तो अभी जारी हैं, पंजीयन हो रहे हैं। महिलाएं, इंदौर की महिला लेखिकाएं, मध्य प्रदेश की लेखिकाएं, सभी लोग इस आयोजन को लेकर उत्सुक हैं। हम लोग भी उत्सुक हैं कि हम कुछ नया करें। साहित्य में काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये काम सार्थक हो। स्त्री की परिभाषा पहले कैसी थी, आज कैसी है, अतीत से वर्तमान तक उसकी स्थितियां कैसी हैं, आदर्श की बातें तो पुरानी हो गई हैं, लेकिन यथार्थ क्या है? स्त्री की पहचान बन चुकी है या बननी है, या अभी और क्या काम होना है, इस विषय में साहित्यिक चिंतन मनन इस आयोजन में होना है। उसके लिए अलग अलग हम लोगों ने सत्र भी रखे हैं। सत्र में क्या क्या विषय निर्धारित? हम लोगों ने प्रत्येक विधा के सत्र चयनित किए हैं। कविता का सत्र, लघु कथा विधा का सत्र, कहानी और उपन्यास का सत्र और अन्य सत्र, जिसमें एक सत्र रखा है बोल के लब आजाद है तेरे, जिसमें स्त्री अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनशीलता को बखूबी लिख सकती है, अभिव्यक्त कर सकती है। तो ऐसे 5 सत्र हैं, 6 और 7 फरवरी को आयोजित किया गया है, किए हैं। और इन 5-6 सत्रों में सारी महिला साहित्यकार अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करेंगी। क्या वे रचनाएं सार्थक हैं, क्या वे उचित है, क्या अनुचित है, महिलाओं की कलम कितनी सशक्त होगी, उनकी भागीदारी साहित्य के माध्यम से किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर चिंतन मनन होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।